हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिमेंबर मी जो जिसका ट्रेनर वर्क नहीं करता उसका फिक्स कैसे करना है। तो बिना किसी देरी के चले वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके यार सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ यार, मतलब मेरे को आपके मतलब सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। मतलब कुछ नहीं, चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा है यार। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो फटाफट से शेयर कर दो यार, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आपको करना कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो जो ट्रेनर है वो आपको डाउनलोड कर लेना है किसी वेबसाइट से, या फिर जो इस रिमेंबर मी गेम के लिए बेस्ट ट्रेनर है वो मैं आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक या दो ट्रेनर होंगे तो दोनों डाउनलोड करके दोनों एक साथ भी चला सकते हैं आप। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको जाना है जहाँ पर आपका गेम रिमेंबर मी इंस्टॉल्ड है। तो मेरा तो यहाँ पर सी मी गेम्स इंस्टॉल्ड है यार रिमेंबर मी। उसको फोल्डर खोलने के बाद आपको जाना है बाइनरीज में, उसके बाद विंडो 32 में, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा गेम का ऑप्शन। तो बेसिकली क्या होता है कि मतलब गेम जो होता है ना वो ट्रेनर होता है एक प्रोसेस को डिटरमाइन करता है जिसका नाम होता है रिमेंबर मी डॉट ई एक्स ई। तो अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसा कि मेरा गेम यहाँ पर चल चुका है रिमेंबर मी 32 बिट डायरेक्ट एक्स 9 का। तो इसको मैं चलाऊँगा ना अभी क्योंकि कंप्यूटर हैंग होएगा मेरा। तो ये देखिए यहाँ पर चल गया क्या अपना, सॉरी। हाँ तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एक ये प्रोसेस है गेम डॉट exe नाम से, तो वो क्या करता है कि मतलब रिमेंबर मी डॉट exe को ढूंढता है और वो प्रोसेस को यहाँ पर मिलती नहीं है। तो आपको करना कुछ नहीं है, उस गेम डॉट exe का नाम करके जैसे मैंने नाम दिया है उसको कर देना है, आपका गेम अच्छी तरह चल जाएगा। ये देखिए गेम डॉट exe है, आपको इसको यहाँ पर एंड प्रोसेस कर दीजिए इसको। जैसे मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ गेम को अपने, तो गेम बंद हो चुका है। उसके बाद वहीं पर जाइए अपनी डायरेक्टरी में जहाँ पर मैंने आपको बताया जहाँ पर गेम इंस्टॉल्ड है आपका, इसको एक बार क्लिक करके राइट क्लिक दबाइए और रीनेम प्रेस कीजिए। इस पूरे को सिलेक्ट करके बैकस्पेस दबाइए और जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो आप टाइप कर दीजिए। तो आपको सिर्फ इतना ही टाइप करना है और आपको R कैपिटल रखना है और M कैपिटल रखना है, ठीक है। उसका उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपका गेम मतलब ये ट्रेनर भी आपका वो दिखा देगा कि गेम इज रनिंग। अब यहाँ पर दिखा रहे गेम इज नॉट रनिंग, वेटिंग फॉर रनिंग गेम, ऐसे कुछ दिखा रहा होगा, वेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि मतलब जब इसका नाम गेम पर होता तभी चलता नहीं है, ठीक है। इसका नाम एक वापस चेंज कर देता हूँ मैं गेम पर, अब चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गेम चल चुका है लेकिन अभी गेम इज नॉट रनिंग ही दिखा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर दिखा रहे गेम इज़ नॉट रनिंग वेटिंग फॉर वेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखना कि मतलब यहाँ पर होता क्या है। गेम को बंद करता हूँ मैं और वापस इसका नाम करता हूँ रिमेंबर। तो दोस्तों आप थोड़ा ध्यान देना, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा गेम रिमेंबर मी वाले पर, तो गेम यहाँ पर दिखा दे गेम इज रनिंग एंड ट्रेनर। ये देखिए गेम इज रनिंग एंड ट्रेनर इज एक्टिवेटेड, ठीक है। तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई या नहीं। अगर नहीं हुई तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ भी सकते हो कि मतलब मेरी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई है। और मतलब अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती ना तो मैं सही बता रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को डिसलाइक कर देना अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।